नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति तथा अपराध जगत से जुड़ी हुई खास खबरें। मुंबई धारावी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का तिलस्म तोड़ने के लिए शिवसेना ने अपना पहलवान धारावी के अखाड़े में उतार दिया है। इस बार धारावी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है और ये चेहरा है युवा नेता आशीष मोरे का, जो किसी परिचय के मोहताज धारावी में तो नहीं है। उनकी पत्नी हर्षला आशीष मोरे धारावी की वार्ड 189 से नगर सेविका है। यही नहीं, मुंबई बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा है। 22 चुनाव में अपनी प्रमुख भूमिका का किरदार बनकर सामने आ रही है। उनका दावा है कि शिवसेना इस बार भाजपा आरपीआई व अन्य सहयोगी दलों के सहयोग के चलते धारावी का किला फतह कर कांग्रेस को चौका नहीं मारने देगी। उनसे खुद एबी न्यूज के एडिटर विनय पाठक ने बात की, किस तरह से धारावी विधानसभा में केसरिया फहराएंगे। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। दक्षिण मध्य मुंबई में स्थित धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैली धारावी की आबादी करीब 7 लाख है। 1999 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2009 से लगातार 3 बार से वर्षा गायकवाड़ विधानसभा चुनाव जीतती रही हैं। धारावी मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। धारावी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। धारावी मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। इस इलाके को विकास की काफी दरकार है। महाराष्ट्र विधानसभा का बिगुल बज चुका है। सभी खिलाड़ी अपने अपने चुनावी मैदान में जंग के लिए तैयार हैं और इस जंग में धारावी विधानसभा एक खास मुहिम रखती है। वो खास इसलिए मुहिम रखती है क्योंकि धारावी विधानसभा में 3 टन से वर्षा गायकवाड़ का एक छत्रराज कांग्रेस का है और इस किले में पहली बार उद्धव साहब ठाकरे ने, शिवसेना प्रमुख ने, एक निर्णय लिया है कि किस तरह इस किले को भेदा जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सामने थी। क्योंकि जहां कांग्रेस ने 3 बार लगातार इस सीट पर कब्जा किया था, वहीं शिवसेना को कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे की तलाश थी कि वो इस तिलिस्म को तोड़ पाता। सेना प्रमुख ने चेहरे के रूप में देखा आशीष मोरे। आशीष मोरे वो चेहरा, युवाओं का चेहरा, धारावी के लोगों का वो चहेता चेहरा, जिनकी पत्नी हर्षला आशीष मोरे वार्ड 189 की नगर सेविका हैं। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस तरह से इस चुनावी मैदान में, संघर्ष में अपने आप को खड़ा पाते हैं। पहले तो नमस्कार सभी को। अभी ये विधानसभा जो निवडणूक है, इलेक्शन है, उसके लिए सब जगह पे सब कैंडिडेट पूरे जोश से काम पे लगे हैं। और जैसे धारावी विधानसभा, ये आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं भी बोलूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये जगह है कि यहाँ से जो चुना जाएगा वो एक आदमी ऐसा रहेगा कि जनता के लिए एक मिसाल बन जाएगा। जो 3 टर्म से यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से हर बार अगर 3 बार उनको चुना गया है तो इस बार भी वो बोलेंगे कि मुझे चुन के दो। लेकिन ये चुन के उनको जिताने का जो सवाल है, वो ऐसा क्यों बोल रहे कि मुझे चुन के दो, कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है यहाँ पे। जो 3 टर्म से यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से हर बार अगर 3 बार उनको चुना गया है तो इस बार भी वो बोलेंगे कि मुझे चुन के दो। लेकिन ये चुन के उनको जिताने का जो सवाल है, वो ऐसा क्यों बोल रहे कि मुझे चुन के दो, कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है यहाँ पे।
अगर वो एमएलए है तो एमएलए के दायरे में जो काम आता है अगर वो उन्होंने किया हो तो वो बोल सकते कि मुझे चुन के दे दो। अगर वो एमएलए बनके अगर वो नगर सेवा का काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मतलब की बात नहीं है कि मुझे चुन के, अगर उनको नगर सेवक के काम करे तो नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, उनको एमएलए के काम है तो एमएलए के इसमें जो दायरे में आता है वो उनको वो काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। वो छोड़ के अगर वो शौचालय शेड ही बनाते रहेंगे तो ये आने वाले 5 साल में भी वो वही करेंगे जो 15 साल में किया है उन्होंने। अगर जो धारावी का विकास करना है तो धारावी के लिए वहाँ का स्थानिक एमएलए ही चाहिए, वहाँ का धारावी का स्थानिक नगर सेवक चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं मुझे चुन के दो, अगर एकनाथ गायकवाड़ हो या वर्षा गायकवाड़ हो, अगर वो स्थानिक नहीं है, वो जैसे प्रतीक्षा नगर या विक्रोली वहाँ पे रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उनको बुलाने के लिए उनको विक्रोली, हमें विक्रोली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ का धारावी का ही स्थानिक एमएलए या नगर सेवक है तो वो विकास के लिए बहुत अच्छा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी भी बहुत अच्छा है। तो एक लोगों को मदद मिलेगी कि अगर मेरा घर का ही आदमी वहाँ पे आएगा तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही 15 सालों से वेट करते रहे तो ये आने वाले 5 साल में भी वही हालत हो जाएगी, विकास तो होगा ही नहीं। ये फिर से वही जो कांग्रेस का समझ है कि यहाँ पे जो गरीब जनता है वो उनको सिर्फ एक पास जो इलेक्शन आता है वो टाइम पे जो अच्छी अच्छी बातें बोल के उनसे वो मतदान मिलेगा। या जैसे हमारा एक परिवार हो गया, धारावी एक परिवार है, आपने उन पे आरोप लगाया कि वो बाहर के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा धारावी है, हम धारावी के हैं, इस मामले में क्या कहना चाहिए? धारावी अभी किसी एक पार्टी की या एक इसकी जायदाद नहीं है। धारावी इंडिया और जैसे महाराष्ट्र या मुंबई है, ये अभी डेवलप हो रही है तो उसके साथ ही धारावी को भी डेवलप होना चाहिए। अगर हम लोग एक ही पक्ष को बार बार चुन के दे रहे हैं और हमारा विकास नहीं हो रहा है तो इस बार हमारे सामने एक नया चेहरा है और परिवर्तन तो ज़रूरी है, बदलाव आना ज़रूरी है। अगर हमें विकास चाहिए तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए है एक नए चेहरे की बहुत ज़रूरत है। और वो चेहरा है कि पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, उन्होंने पार्टी को आदेश दिया है और आशीष मोरे उनको शिवसेना पक्ष की तरफ से वो उम्मीदवार है एमएलए के लिए, तो वो एक नया चेहरा है कि धारावी का विकास उनके थ्रू हो जाएगा। और मेरे ख्याल से धारावी की जनता भी उनको पूरे भारी तादाद से उनको मत देगी और जिताएगी। अगर कल को है तो वो धोखादायक बिल्डिंग्स हो गई थी, लेकिन जैसे उसको रिपेयरिंग के लिए आशीष मोरे उन्होंने बहुत काम किया और वो धोखादायक बिल्डिंग खाली करने के लिए प्रेशर दिलवा गया था कि वहाँ के लोगों को शिफ्ट करके माहौल में भेजने वाले थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं और आशीष मोरे है उन्होंने फाइट करके वहाँ पे ही शिफ्टिंग करवाया। और जैसे है कि एवरशाइन वहाँ पे रहने के लिए उनको शिफ्टिंग मिल गया और बाद में ये धोखादायक बिल्डिंग उसको रिपेयरिंग मिल गया और अभी वहाँ पे ही लोग रह रहे हैं अपने एरिया में। क्या कहना चाहेंगे धारावी के लोगों से? क्या मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगी, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है और धारावी का विकास अगर ये 15 सालों में नहीं हुआ है तो इसके आगे भी अगर आपने कांग्रेस को दिया तो इसके बाद में भी विकास नहीं होगा। लेकिन अगर आप विकास चाहते हो और एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हो जैसे मुंबई के लोग जीते हैं, तो उसके लिए आप आशीष मोरे उनको वोट कीजिए, उनको जिता के आप धारावी का विकास कर सकते हैं। संघर्ष, चुनौती और युद्ध बहुत तेज चल रहा है, किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है, कौन कौन लगा हुआ है आपके साथ? वैसे ये महायुति है, शिवसेना पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरे सारे यहाँ पे कार्य करते हैं, यहाँ की जनता है वो पूरे जोश से ये कार्य में अभी जुड़े हैं और उनके सहायता से हम लोग जीत सकते हैं। तो ये महायुति है, इनका सबका सहाय, सबका योगदान है और सभी को वही चाहिए कि एक नया चेहरा जो आशीष मोरे है उनको जिताना।
जिसके पैर न परे विवाही वो का जाने पीर पराई। कहावत थी, दोहा था, कभी किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि सही मामलों में धारावी की तस्वीर पिछले न 5 साल में बदली, न 10 साल में बदली, न 15 साल में बदली, न 20 साल में बदली। धारावी की तस्वीर वही बनी हुई है और उसी तस्वीर को संवारने के लिए, उसी तस्वीर को बनाने के लिए ताई का जैसा कहना था आशीष मोरे शिवसेना प्रत्याशी ने इस धारावी के चुनावी मैदान में दस्तक दी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI व अन्य सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन, कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून उनके साथ है। उनका कहना है कि जीत निश्चित है और मैं समझता हूं कि धारावी में इस बार संग्राम, महासंग्राम होने वाला है और बड़ा समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं मेरे पाठक एवी न्यूज के लिए। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे एवी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।